Hello everyone, so welcome to this new episode of Rubru. Myself Vinay Shah. I look after business development with Definite Solutions. और आज के एपिसोड में मेरे साथ है मिस्टर विट्ठल शिंदे. हेलो एवरीबॉडी. सो बहुत ही जाने माने अच्छे ट्रेडर है जो आज हमारे साथ है. तो अभी मुझे कुछ सवाल है विट्ठल भाई से. सो कैसा है कि अभी हम लोग जैसे काफ़ी लोग हैं जिनका प्रोफाइल क्या रहता है कि हम लोग दिन भर बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती है, राइट? जैसे मीटिंग्स हो गया, कुछ इवेंट्स प्लानिंग हो गया, राइट? और हम लोग के पास फंड रहता है अच्छा खासा, जैसे 10-15 लाख रुपये अगर समझो हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सिस्टमेटिक थोड़ा अच्छे से इन्वेस्ट करना है, और टाइम नहीं रहता है अभी सॉफ्टवेयर देखने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस कोई प्लेटफॉर्म देखने के लिए. तो आप क्या एडवाइस करते हो कि कैसे इस पैसे को अच्छे से हम सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर सके, बहुत ज़्यादा टाइम भी ना दे सके कि दिन भर स्क्रीन देख नहीं रहे. हो सकता है कि थोड़ा मार्केट के पहले थोड़ी टाइम कुछ एनालिसिस कर लिया और मार्केट के बाद एनालिसिस कर लिया कुछ टाइम, तो आप थोड़ा इसके अंदर कुछ हमको बताएंगे. ज़रूर बताऊंगा. देखिए, मैं 2019 यानी 31 दिसंबर 2019 तक तो खुद मैं भी जॉब करता था, और जब मैं जॉब करता था फुल टाइम तो हम 9 से 5 जॉब जो होता है 9 से 5 बजे के बीच में मैं मार्केट ही नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब करना है, मुझे कुछ काम करने हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है. तो ऐसे में मुझे ऐसा कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहिए या ऐसा कोई मेथड डेवलप करना चाहिए कि जो मार्केट के समय में मैं मार्केट बिना देखे भी इन्वेस्ट करना कैसे पॉसिबल है ये देख सको. तो मेरा खुद का तजुर्बा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने मार्केट में खुद से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चालू जो की मैंने वो 2016 से चालू की थी. फ्रॉम 2016 से लेकर 2019 तक मैं सारी स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केट में मार्केट की क्लोजिंग के बेसिस पे ही देखता था. और डिफाइनेश का जो हमारा सॉफ्टवेयर है ट्रेड पॉइंट, वो मुझे बहुत उस समय भी हेल्प करता था, आज भी हेल्प करता है. तो कोई भी ऑफिस में काम करने वाला आदमी के लिए ये बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल है. हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं मार्केट में वो दो तरह से कर सकते हैं. या तो एक आपको फंडामेंटल ज्ञान होगा तो फंडामेंटल बिजनेस को इवेल्युएट करके कौन सा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है वगैरह, हम ये सब देख के कर सकते हैं. अभी फंडामेंटल एनालिसिस एक आम आदमी के लिए इतना सिंपल चीज़ नहीं है, और टेक्निकल एनालिसिस भी ऐसा कोई बहुत सिंपल चीज़ नहीं होता है. बट टेक्निकल एनालिसिस में एटलीस्ट कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटेजी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है, अभी फॉर एग्जाम्पल लेट अस, तो पॉइंट एंड फिगर का जो बेसिक है, अगर किसी को बेसिक नहीं पता है तो पॉइंट एंड फिगर का बेसिक कहाँ देख सकते हैं पहले वो देखाता हूँ. यानी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पॉइंट एंड फिगर चार्ट ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो अगर आप ये खोलते हैं यूट्यूब, सीधे सीधे डिफाइनेश का चैनल ओपन कीजिए, फिगर बेसिक करके डाल दीजिए. तो जैसे ही आप ये डालते हैं तो यहाँ आपको प्रशांत का वीडियो है, तो पार्ट वन पार्ट टू पॉइंट एंड फिगर क्या है, पॉइंट एंड फिगर को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका प्लॉटिंग कैसे होता है, बेसिक पैटर्न्स क्या है, तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ अवेलेबल है जो कि आप बेसिक पॉइंट एंड फिगर तो समझ सकते हैं. अच्छा, मैं इसको बंद करता हूँ. जिसको पॉइंट एंड फिगर मालूम है, अब उन लोगों के लिए हम बात करते हैं. तो पॉइंट एंड फिगर के बहुत सिंपल हम एक चार पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. अभी जैसे ही भाव ऊपर जाते रहता है तो हमारे पॉइंट एंड फिगर में एक्स प्लॉट हो जाएगा, और जैसे ही करेक्शन आता है पॉइंट एंड फिगर में ओ प्लॉट होगा. जब फिर से वापस प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ एक ऐसा पैटर्न बनता है जो कि पुराने हाई के ऊपर एक नया एक्स प्लॉट हो जाता है. इसको हम बोलते हैं डबल टॉप बाय, डबल टॉप बाय DTB. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पैटर्न होता है कि प्राइस करेक्ट कर रहा है तो हम ओ कॉलम में है, फिर से थोड़ा प्राइस रिकवर करने की कोशिश करेगा, मगर अगर वो रिकवर ठीक से नहीं हो पाया और उसने ये पिछला लो तोड़ दिया ये ओ ने, तो ये होता है डबल बॉटम सेल. तो ये एक बुलिश पैटर्न है डबल टॉप बाय, और डबल बॉटम सेल जो है वो एक बेरिश पैटर्न है.
तो इतना सा भी अगर हमको ज्ञान है कि डबल टॉप किसे बोलते हैं, डबल बॉटम सेल किसे बोलते हैं, तो ये दो पैटर्न लेकर भी हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। बहुत बेसिक सारी चीज़ें हैं, और फिर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जिट के समय हमको और एक पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी डबल बॉटम सेल काफ़ी दूर रहता है हमारे बाय करने के बाद, हमारे फेवर में प्राइस बहुत जाती है जल्दी, या फिर बहुत सारी मूवमेंट हो गई हमारी फेवर में, तो हम डबल बॉटम सेल के लिए वेट नहीं करेंगे। वो पैटर्न कैसे होता है, मान लो तो ये, ये जो आप बोल रहे हो एंट्री और एग्जिट के लेवल्स, तो ये हाँ कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग यस, टर्म अभी मिड हम टर्म कर पहले सकते बस हैं। पैटर्न समझ लें कि अच्छा तीन पैटर्न से ज्यादा हमको कोई चौथा पैटर्न की जरूरत भी नहीं है यहाँ। तो यहाँ ये देखो, यहाँ ये डबल टॉप बाय हो गया, मान लो आपने यहाँ डबल टॉप बाय में बाय कर लिया है और भाव आपकी ही फेवर में जा रहा है, और जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अभी ये जैसे ही आपकी बाय के बाद 5 से ज़्यादा, मोर देन 5 बॉक्सेस, यानी 5 से ज़्यादा अगर एक्स बनते हैं, तो आपको डबल बॉटम सेल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो टोटल आपका, ये जो टोटल जो लेंथ है कॉलम का, उसका 50% को भी अगर मान लो भाव आता है आगे कॉलम में, तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं हाई पोल, यानी आपका एंट्री पैटर्न हो गया डबल टॉप बाय, और आपका एग्जिट पैटर्न हो गया डबल बॉटम सेल या हाई पोल। अब हाई पोल क्या होता है और डबल बॉटम सेल कैसे दिखता है, चार्ट में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये तीन पैटर्न मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी है, इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो जैसे मैं अभी ये डिफाइनेश का ट्रेड पॉइंट जो है, ये ब्रोकिंग के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री आता है, आप अगर डाउनलोड करते हैं तो फिर आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ चार्ट में जाएंगे, और चार्ट में पॉइंट एंड फिगर करके जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ। तो मैं बस सेटिंग्स बोलता हूँ, अगर हम मान लो निफ्टी का चार्ट देखना चाहते हैं, किसी भी निफ्टी के स्टॉक का, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लेता हूँ, और मैं ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी हमने बेसिक का वीडियो देख लिया, हमको पता है कि बॉक्स साइज क्या होती है, तो अभी यहाँ आने के बाद मैं इतना ही बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम 3% की बॉक्स वैल्यू यूज हाँ, करेंगे, 3%। 3%, क्योंकि 3% की बॉक्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी प्रूव हुई है, टाइम टेस्टेड है। डिफाइनेज ने काफी टेस्टिंग और काफी रिसर्च करने के बाद ये डिफॉल्ट सेट किए हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए 3% बॉक्स काम बहुत अच्छा करता है। तो अगर मैं इसको ओके बोलता हूँ, तो अभी देखो ये चार्ट खुल गया, अभी ये रिलायंस का चार्ट खुल गया है। इस चार्ट में मैं बाकी का सारा स्टडी निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हमको बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो मेरा बाय डिफॉल्ट दूसरा जो कुछ स्टडी था वो मैं रिमूव करता हूँ, और मैं सेव करता हूँ फिर से, और मैं फिर से ओपन करता हूँ इस चार्ट को, ताकि वो हमारा, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ एक ब्लैक कलर की आपको एक लाइन दिख रही है, वो लाइन मतलब क्या है, एक मूविंग एवरेज है, और वो 10 कॉलम का मूविंग एवरेज है। यहाँ कॉलम में प्राइस प्लॉट होता है एक्स और ओ, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये लास्ट 10 कॉलम्स का मूविंग एवरेज होता है। अभी एक्स कॉलम के वो लाइन के ऊपर है, मतलब ये है तेजी, और ये ओ जब नीचे रहता है मूविंग एवरेज के, वो मतलब है मंदी। तो हमको सिर्फ तेजी में ही डबल टॉप बाय पैटर्न देखना है, यानी जो भी ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप आती है वही हमको देखनी है। तो हम इसके लिए बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ स्कैनर में जाता हूँ, और ईओडी स्कैनर में, क्योंकि हम सब काम ईओडी में करेंगे, तो अभी ईओडी में मैं सिर्फ ये सारे पैटर्न्स देखूंगा। तो जैसे ही मैं पॉइंट एंड फिगर में आ गया, और पॉइंट एंड फिगर में आने के बाद मैं यहाँ फ्रेश क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे अभी देखना है कि आज की मार्केट के हिसाब से कितने डबल टॉप आ गए हैं, और मैं उसी स्टॉक्स में बाय करूंगा। तो मैं यहाँ एक यूनिवर्स लेता हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा तो निफ्टी की किसी बास्केट में मैं करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे कोई दूसरी कंपनी या कैसे ढूंढना है उसको, वो लिक्विडिटी कैसी होगी, उसका फंडामेंटल्स कैसे होगा। अभी NSE 500 में कम से कम उतना तो एक ध्यान देता है NSE की, ये 500 कंपनियां एक कुछ क्राइटेरिया को क्वालिफाई करके इस ग्रुप में आती है,
तो एज अ बिगिनर लेट अस फोकस ऑन ओनली दोस 500 कंपनीज विच आर फिल्टर्ड बाय एनएससी एंड उसमें लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो सारी मार्केट की अच्छी कंपनियां निफ्टी 500 बास्केट में है। तो यहां आने के बाद में डबल टॉप बाय मैं टाइप भी कर सकता हूँ या यहाँ ढूंढ भी सकता हूँ। अभी डी में जाके मैं डबल टॉप बाय देखूंगा तो ये डबल टॉप बाय पैटर्न है और मुझे मालूम है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज मुझे 3% में ही करनी है। अभी ये मैं फ्रेश सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं नया शुरू करने वाला हूँ। अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ, अभी ये निफ्टी 500 का डेटा स्कैन होगा और उसमें कितने स्टॉक्स में डबल टॉप बाय आया है आज क्लोजिंग बेसिस पे वो मुझे दिखेगा। तो देखते हैं अगर आज कोई आता है तो इतने सारे स्टॉक्स आज डबल टॉप हो गए। और यहाँ आप देखेंगे कि आज का भाव, ये जो लास्ट प्राइस है यहाँ फर्स्ट कॉलम में, ये भाव आपके डबल बॉटम सेल की लेवल से कितनी दूर है। तो मुझे पता चलता है कि अगर मैं ये सोलारिस इंडिया का स्टॉक आज बाय करता हूँ तो मुझे 15% का रिस्क हो सकता है। तो अभी इन्वेस्टमेंट में 15-18% या 20% तक का रिस्क ठीक है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप बहुत एक साथ नहीं करोगे। अब आपने जैसे कहा था कि मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए अकाउंट में है कि जो मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब मैं कहूँगा कि आप एक कंपनी में 40,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आपकी कैपिटल 10 लाख है तो उसका 40,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे 20-25 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर पाओगे धीरे धीरे। तो अभी फिर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे पता है कि अगर डबल टॉप मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है तो ही मुझे लेना चाहिए। अभी यहाँ देखिए एक डबल टॉप आ गया है, ऑलरेडी चार्ट में भी दिख रहा है और वो मूविंग एवरेज से ऊपर भी है और ये चार्ट देखिए लगातार भाव ऊपर ही जाता है, नया टॉप ही बना रहा है। मतलब ये कंपनी में ऐसा बहुत मंदी कभी दिखा नहीं है और मुझे दिखता है कि बार बार। अभी यहाँ देखो एक सिंपल एक लेमैन बोलो आपको डबल टॉप तो पता हो गया है ना, डबल टॉप। अगर मैं यहाँ स्टडी में जाके प्लॉट करता हूँ डबल टॉप बाय पैटर्न एट स्टडी में, मैं यहाँ डबल टॉप बाय पैटर्न ऐड करता हूँ तो आपको दिखेंगे कि बुलिश पैटर्न हमेशा ये स्टॉक डबल टॉप बाय में कितनी बार दिख रहा है, नया नया ब्रेकआउट आता है और स्टॉक बस चलते ही रहता है चलते ही रहता है। तो अभी मैं बाय करूंगा डबल टॉप तो मेरा एग्जिट क्या होगा, डबल बॉटम सेल होगा इनिशियल एग्जिट जो कि मुझे यहां पे भी डबल टॉप बाय जैसे आ गया है, प्लॉट हो गया तो उसका कितने पे आया है वो वैल्यू भी पता चल हाँ, यहाँ अगर मैं कमेंट्री को क्लिक करता हूँ, ये कमेंट्री को क्लिक करता हूँ तो ये डबल टॉप बाय की वैल्यू मुझे दिख रही है। अच्छा ये क्या हो गया, अभी रियल टाइम में डबल टॉप लॉक हो गया है। अभी इसको मैं कल मार्केट जब खुलेगा, आज तो फ्राइडे है, अभी मार्केट मंडे खुलेगा, मैं इसको सीधे सीधे अभी मार्केट ऑर्डर डाल सकता हूँ 40,000 रुपये का बाय करने के लिए। तो मान लो अभी इसका भाव है 4384 लास्ट क्लोजिंग प्राइस, तो मुझे अगर 40,000 का बाय करना है तो सीधे सीधे मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, 4384 से डिवाइड करूंगा 40,000 को तो मुझे समझ में आता है कि 9 या 10 मैक्सिमम मैं ले सकता हूँ। तो हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, 40 से 45,000 की एक पोजीशन हम ले सकते हैं। तो या तो 9 स्टॉक ले लो या 10 स्टॉक ले लो, तो आपका 10 स्टॉक भी लेंगे तो 43,000 रुपीज का आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसका डबल बॉटम सेल जैसे ही, अभी जैसे मेरे पास मान लो बहुत सारी पोजीशंस है तो मैं यहाँ जाके डबल बॉटम सेल भी देख सकता हूँ कि कितने स्टॉक में डबल बॉटम सेल आ गया है आज की डेट में। तो मैं यहाँ स्कैन भी कर सकता हूँ, डबल बॉटम सेल का पैटर्न भी स्कैन कर सकता हूँ। फ्रेश में जो डबल बॉटम सेल आ जाता है, अगर मेरी होल्डिंग में मान लो ये जैसा कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये कोई इपका लैब का एक स्टॉक का डबल बॉटम सेल अभी दिख रहा है मुझे, अगर ये मेरे होल्डिंग में है तो सीधे सीधे मैं जाके एग्जिट कर लूंगा मंडे मार्केट खुलती क्योंकि ये डबल बॉटम सेल तो आ गया बराबर। उसी तरह मान लो मेरे को मालूम है कि हाईपोल भी एक मेरा एग्जिट पैटर्न है तो हाईपोल भी मैं देख सकता हूँ कि कितने स्टॉक्स में आया है। मान लो बजाज होल्डिंग में हाईपोल आज आया है और वो आपके पोर्टफोलियो में है, अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ हाईपोल मतलब क्या हो गया, डबल टॉप के बाद आपके फेवर में काफी अच्छा गया था प्राइस और वो 50% का रिट्रेसमेंट क्वालिफाई किया है आज की क्लोजिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये क्वालिफाई हो गया हाईपोल को, तो मैं अगर यहाँ हम ये देखते हैं तो यहाँ हाईपोल की प्राइस क्या थी, एचपी देखिए कमेंट्री में एचपी मतलब हाईपोल होता है 5771 और 5741 उसके नीचे क्लोज आ गया है। मतलब थोड़ा बहुत भाव भले ही हाईपोल के थोड़ा सा नीचे गया हो, मेरा एग्जिट तो हो गया।
तो ये मैं ईओडी पैटर्न तो मैं देख सकता हूँ मार्केट बंद होने के बाद घर आके, और जहाँ डबल टॉप है वहाँ पे बाई की ऑर्डर्स लगा सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग मेरी होल्डिंग में कोई भी बेरिश पैटर्न आता है डबल बॉटम सेल या हाई पोल मैं निकल सकता हूँ। क्राइटेरिया उतना ही रखना है कि मेरा डबल टॉप हमेशा मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारा बुलिशनेस और बेरिशनेस का एक फिल्टर है। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी अगर हम करते हैं तो भी बहुत अच्छा आपका आउटपुट होगा। अभी मैं इसको आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं जैसे कि यहाँ मेरी अकाउंट में जाता हूँ तो डिफाइनेज का एक देखो कितना अच्छा ये है कि बहुत सारा चीज यहाँ अवेलेबल है हमको, कि मैं कौन सा पैटर्न यूज करने वाला हूँ, वो पैटर्न का पिछला हिस्टोरिकल डेटा कैसे है। तो हम जाते हैं शेल्फ में, यहाँ शेल्फ में अगर मैं जाता हूँ तो ये सारा ब्रोकिंग अकाउंट के साथ फ्री मिलता है ये सब अच्छा शेल्फ वगैरह। तो यहाँ मैं पॉइंट एंड फिगर को ट्रेड कर रहा हूँ, तो पॉइंट एंड फिगर के बारे में सारी जानकारी है यहाँ। तो ये पॉइंट एंड फिगर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारी पॉइंट एंड फिगर की जानकारी है। अभी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ तो बेसिक पैटर्न्स और सारी जानकारी तो आप ले ही सकते हैं, बट अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो डबल टॉप 3% में मैंने बोला है आपको, वो पैटर्न हिस्टोरिकली कैसे काम किया है। तो हम जाएंगे बैक टेस्टिंग में, और बैक टेस्टिंग में जाके चेक करेंगे कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसका कैसे रहा है। तो यहाँ बैक टेस्टिंग में मैं आ गया। तो अभी बैक टेस्टिंग क्लोज मेथड, यानी क्लोज मेथड मतलब अभी हम जो देख रहे हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे ही डबल टॉप, क्लोजिंग बेसिस पे ही डबल बॉटम सेल ऐसे ही देख रहे थे ना। तो ये क्लोज मेथड पे टेस्टिंग जो किया है उसको हम अगर खोलते हैं यहाँ, तो अभी हम ये बैक टेस्टिंग में आ गए। अभी बैक टेस्टिंग में देखिए अलग अलग बॉक्स वैल्यू का बैक टेस्टिंग किया है। मान लो मैं एक सिंपल डबल टॉप बाय पैटर्न एंट्री के लिए यूज करता हूँ और सिर्फ डबल बॉटम सेल एग्जिट के लिए यूज करता हूँ, तो अलग अलग बॉक्स वैल्यू में मेरा कितना पैसा बना होता, या निफ्टी 500 का स्टॉक्स का ये बैक टेस्टिंग किया है। तो हमारा जो 3% का जो क्राइटेरिया है, ये मेरा 3% है। यहाँ 3% में देखिए मैंने हर डबल टॉप इरिस्पेक्टिव मूविंग एवरेज के ऊपर हो या नीचे हो लिया होता तो मेरे 47% ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल थे, यानी सक्सेस रेशो 47% है। बट इसका एवरेज रिटर्न देखिए, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखिए, और इसका एक्सपेक्टेंसी भी देखिए। एक्सपेक्टेंसी एक के ऊपर जितनी हो ज़्यादा वो अच्छी है। यहाँ 3 है जिसको कि मैं बहुत अच्छी कहूँगा। एक्सपेक्टेंसी रेशियो का फॉर्मूला भी ये बुक में दिया है, आप जाके इस भी बुक में फॉर्मूला पढ़ सकते हो। बट एक्सपेक्टेंसी एक के ऊपर जो है इसका मतलब सिस्टम प्रॉफिटेबल है। तो ये बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, आपको खुद को भी बैक टेस्टिंग करनी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बैक टेस्टिंग में मैं जाता हूँ और यहाँ बैक टेस्टिंग में मैं पॉइंट एंड फिगर का बैक टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ हमने चलो एक पिछले 10 साल का तो कर सकते हैं हम बैक टेस्टिंग। तो मैं यहाँ 2010 से लेके 2022 तक जो भी है उसका बैक टेस्टिंग हम करते हैं, और हम लेते हैं निफ्टी 500। निफ्टी 500 का यूनिवर्स है। हमने सीधे सीधे बोला था कि हमारी लॉन्ग एंट्री डबल होगी टॉप डबल बाय टॉप बाय। अभी इसमें देखो मैं तो डबल टॉप हर डबल टॉप को ले रहा हूँ, मूविंग एवरेज के बराबर ऊपर हो चाहे मूविंग एवरेज के नीचे हो। और यहाँ मैं लेता लॉन्ग हूँ डबल डबल बॉटम बॉटम सेल। सेल, ये मेरा पैटर्न है, और ये मैं 3% पे ही करूँगा। 3% पे इरिस्पेक्टिव ऑफ रेज किए वो सब मैं ले ही रहा हूँ। अभी मैंने ये स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद ये जो ग्रीन अभी हो रहा है इस, यहाँ ये ग्रीन जो हो रहा है इसका मतलब ये बैकग्राउंड में स्कैन कर रहा है। तो अभी ये स्कैनिंग का रिजल्ट आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्कैन का रिजल्ट आ गया है। तो 3M इंडिया को मैं डबल क्लिक करूंगा तो 4 ट्रेड हुए हैं, जो कि एक ट्रेड ने 165% का रिटर्न दिया है। एक ट्रेड ने मान लो आप 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ 40,000 का आप देखिए 100% से ज्यादा हो गया पैसा। यहाँ 40,000 का 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा आप सोचिए कि आपकी वो 40,000 की पोजीशन का क्या होता था। यहाँ 6 ट्रेड आए हैं, तो मान लो 40,000 की ट्रेड में यहाँ आपने 20% का घाटा उठाया, 18% का घाटा भी उठाया, बट तीसरा ट्रेड देखिए आपका पैसा दोगुना हो गया। दोगुना क्या, मैं तो बोलता हूँ ये 200% तक गया है, 189%। तो ये आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, और इसको बैक टेस्ट करके इतना सिंपल पैटर्न को आप ईओडी में चला सकते हो। एंड ऑफ डे, ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ डे। तो एक ऑफिस जाने वाले आदमी को इन्वेस्टमेंट के लिए इससे सिंपल चीज और कोई हो ही नहीं सकती।
तो इसका समरी भी आप निकाल सकते हाँ हो इसका हर समरी। एक्सपोर्ट अच्छा का। आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये कैसा है, यहाँ से डबल क्लिक कर करके आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल का, ये देखो यहाँ। बट अगर आपके पास डिफाइनेज का ब्रोकिंग अकाउंट है तो मैं यहाँ से आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ मेरा जोन में लॉग इन करता हूँ, जोन में अभी ये मैंने लॉग इन करने के बाद यहाँ पर भी मुझे स्कैनिंग है। यहाँ का स्कैनिंग में तो बहुत एक अच्छा चीज़ है जो कि मुझे आउटकम ही पूरा का पूरा आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे कि ये मैंने, ये मेरा जोन का स्क्रीन है वेब, और ये है जोन ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप है। तो जिसको डेस्कटॉप यूज़ करना है वो डेस्कटॉप करे, जिसको वेब यूज़ करना है वेब करे। अब यहाँ मैं आर जोन में जब जाता हूँ तो आर जोन में भी वो हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यही हम अगर लेते हैं बैक टेस्टिंग, यहाँ पर भी बैक टेस्टिंग है, और यहाँ बैक टेस्टिंग में मैं वही चूज़ करता हूँ पॉइंट फिगर एंड फिगर। अभी मैं यहाँ ग्रुप लूंगा और ग्रुप होगा मेरा निफ्टी निफ्टी 500। 500। सो मैं निफ्टी एन टाइप करने के बाद ये देखिए निफ्टी 500 आ गया। ये मेरा 3% का बॉक्स साइज है। अभी मैं यहाँ 2010 से कर रहा हूँ, तो ये 2010 से लेते हैं अभी तक लॉन्ग। तो अभी यहाँ मेरा डबल टॉप बाय जो था, ये देखिए डबल टॉप बाय मेरा बाय पैटर्न है, और मेरा एग्जिट है डबल बॉटम सेल, डबल बॉटम सेल। तो ये मैंने कर लिया यहाँ। अभी मैं यहाँ सीधे सीधे स्कैन बोलता हूँ तो हर एक का अपने को आ गया वापस से, तो इसका भी आउटकम दिख रहा है मुझे। अब यहाँ ये पूरा होने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं अगर इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ तो शायद इंडिविजुअल का मेरे को समरी आता है, ट्रेड डिटेल्स आता है कि वो ट्रेड्स कैसे हुए, कौन सी प्राइस पे मेरा एग्जिट हुआ, कौन सी प्राइस पे मेरा एंट्री हुआ, और मेरा आउटकम क्या था। तो ये भी आपको मिलता है यहाँ। अब सीधे सीधे ये जो, एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, तो इसको पूरा स्कैन होने दीजिए। हमको यहाँ ये जो कैंसिल स्कैन की जगह एक नया मेनू आ जाएगा जहां से हम सारी ट्रेड्स का आउटकम देख सकते हैं। तो ये अभी पूरा स्कैन कर रहा है, अगर हम नीचे जाते हैं तो स्कैन शुरू है अभी, ये देखिए। तो ये अभी कर रहा है स्कैन, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये चालू टोटल है। ट्रेड एक हाँ साल टोटल में ट्रेड्स, लास्ट 10 साल हाँ में वो अभी वो कितना जैसे जैसे स्टॉक्स आएंगे वो बढ़ रहे वो लास्ट। तो ये एक अच्छा खासा मेथड है जहाँ आप यूज कर सकते हो ऐसे में, जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो डबल टॉप आता है सिर्फ उसको लेंगे हम, तो अच्छे तेजी वाले स्टॉक्स ही हम हमेशा बाय करेंगे। तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस जो होता है उसमें प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाता है, क्योंकि आप तेजी में उसमें एंटर कर रहे हो। तो जैसा भी आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है दिन भर मार्केट देखने के लिए, फिर भी आप थोड़ा आधा घंटा अगर शाम को इवनिंग में बैठ के अगर एनालिसिस करते हो और ये पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको रिटर्न जो बैक टेस्ट करके भी हमने देखा वो अच्छे से मिल सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ मैं भी अभी फॉलो करना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक मैंने यू। 2016 से 2019 यही किया था ईओडी में, और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। कुछ कुछ स्टॉक ने 500% रिटर्न भी दिया है। अभी ये कैसा है, डिसिप्लिन के साथ आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये रिजल्ट मोर और लेस ऐसा ही रहेगा। तो मैं उतना ही कहूँगा कि जो हम, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो, लेके आएंगे आपके सामने। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू विठ्ठल भाई, आपने बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से आपने ये बताया कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू।